आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश खबर में। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि कांवड़ व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कुंभ जैसा बड़ा आयोजन इतनी सफलता से हो सकता है तो कांवड़ यात्रा तो और भी बेहतर ढंग से की जा सकती है। कांवड़ यात्रा के बाद से ही छठ तक त्योहारों का एक लंबा सिलसिला चलता है। आपको बता दें कि 17 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होगी। योगी आदित्यनाथ लोक भवन में श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि जिला अधिकारी मुख्य रूप से शिवालयों की व्यवस्था करवाएं, सफाई पर विशेष ध्यान दें, बिजली पानी सुरक्षा बुनियादी व्यवस्थाओं की समय रहते ही सारी व्यवस्था होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर हर स्तर से स्वयंसेवी संगठनों की मदद ली जाए। तो आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की सुरक्षा की निगरानी रखने वाले हेलीकॉप्टर उन पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। इस दौरान कहा गया कि डीजे और माइक पर प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखा जाए, ये आदेश दे दिए गए हैं कि सिर्फ भजन और भजन ही चलें।